हेलो। हेलो, अरे आयमा बेटा, कैसी हो? क्या हाल है? हाल वाल छोड़े, जल्दी से अपनी बेटी को वापस घर भेजें। लेकिन फौजिया को तो आजर खुद छोड़ के गया है ना, और शायद उसने आपसे इजाजत भी ली है। कपड़े सीते वक्त तो आप इतने सवाल जवाब नहीं करती, अभी क्यों इतनी बहस कर रही हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बहू को एक मिनट भी अपने घर रखने की? आप भूल गई हैं कितने एहसान और कितने उद्धार हैं मेरे आपके खानदान में, याद है? आपकी बेटी की शादी कराती तो उसने सारी जिंदगी वहीं बैठे रहना था, बूढ़ी हो जाती। मेरे भाई के तो 100 रिश्ते। मुझे याद है सब आयमा बेटा। जी याद रखिएगा। और हाँ, अपनी बेटी के दिमाग में एक फीड कर दे बात, ये जो मेरा भाई उसको थोड़ी सी लिफ्ट करा रहा ना आजकल, वो मेरी वजह से है। अगर मैं चाहूंगी ना तो वो उसको बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं देगा, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, मैं जब चाहूं उसके पर काट सकती। नहीं नहीं आयमा बेटा, आप नाराज ना हो, मैं उसे समझाती हूँ, अभी वापस भेजती हूँ उसे। जी हाँ, फौरन भेजिए और बता दीजिएगा उसको ये लास्ट वार्निंग है। अगर अब उसने गलती की ना तो आपका पूरा खानदान भुगत लेगा। फौजिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ अम्मी, किस बारे में बात कर रही हैं आप? तुमने यहाँ आने से पहले आयमा से इजाजत ली थी? इजाजत नहीं, वो आज़र मुझसे कह रहे थे कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, इजाजत ली थी या नहीं ली थी? अम्मा मैं आज़र के कहने पर तो यहाँ आई हूँ, वो मुझे यहाँ छोड़ने पर बज़िद थे। क्यों, आयमा बाजी ने कुछ कहा है आपसे? बुरी बात है बेटा, आयमा तुम्हारी बड़ी है, घर की सरबराह है, तुम्हें यहाँ आने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए थी, आज़र और उसकी बहन के जो भी मामला थे। लेकिन तुम पर अपने शोहर की फरमा बरदारी के साथ साथ आयमा की ताबेदारी भी लाजिम है। सॉरी अम्मा। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से आज़र को फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें वापस घर लेकर जाए। ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए वहाँ के बड़ों की भली बुरी बात सुननी पड़ती है। अम्मा बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे सुकून के लिए तो यही काफी है कि तुम अपने ससुराल में सुखी हो। खैर आफियत तो फोन पर पता चल जाती है ना, तुम्हें इतने दिन के बाद देख लिया है, सीने से लगा लिया है, बस बहुत है मेरे लिए। अच्छा देखो, एक दफा फिर कह रही हूँ, आइंदा ख्याल रखना। मैं फोन करती हूँ आज़र को। जल्दी करो।